फर्स्ट ईयर हो गया, इसका जो डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, हमें इस बॉल का मास निकालना है, ठीक है, एंड इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो हमें इस बॉल का ना मास निकालना है, आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा है क्या मास का या वॉल्यूम का या डेंसिटी का, कोई फॉर्मूला पढ़ा है? डेंसिटी क्या होती है साइंस में किया आपने? व्हाट इज डेंसिटी बताइए। डेंसिटी होती है मास बाय में वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का घनत्व कितना है। जैसे डेंसिटी काम कहाँ आती है, फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है कि पानी के ऊपर कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी डूब जाएगी, तो जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी वो तो डूब जाएगा और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो तैरेगा, दैट विल फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की, ठीक है, वुड की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम। ये आप साइंस में भी करेंगे 9th में, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब हमें निकालना है मास, तो वॉल्यूम को इधर ले जाओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो अगर मुझे मास चाहिए तो मुझे डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, ठीक है ना। डेंसिटी कितनी है, 8.9, मतलब ये जो बॉल है ना मेटल की, इसकी डेंसिटी है 8.9। मान लो ये लोहे की बनी हुई है या प्लास्टिक की या किसी भी चीज की, तो उस मेटल की डेंसिटी 8.9 है आपकी। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, तभी मेरा मास आ पाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी आपने बताया था, 4 बाय r क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, रेडियस का क्यूब, अब हमें तो डायामीटर दिया हुआ था, यहां से रेडियस निकाल लो अपॉन में 2 करके, कितना आ जाएगा, 2.1, ठीक है, रेडियस आ गया हमारा 2.1 सेंटीमीटर। पुट करो 2.1 × 2.1 × 2.1, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 10 नीचे आ जाएगा तीनों का, ठीक है। दिस इज योर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गया। अब चाहो तो तुम इसे यहीं पे कैलकुलेट कर लो, 3/7 जा आंसर निकाल लो, अदरवाइज यहां से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 8.9 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पुट करेंगे इसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, तो 8.9 इंटू में 4 × 22, ये एज इट इज पुट कर देना, 21 × 21 बाय में 1000, ये आ जाएगा आपका मास। समझ में आया भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा मास था, डेंसिटी हमें पता ही थी, वॉल्यूम निकालना था, पहले वॉल्यूम निकाल लिया, उस वॉल्यूम को पुट कर दिया 8.9 के मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा हमारा मास। 8.9 का पॉइंट और हटा देते हैं, 10 और आ गई नीचे, ऐसे ही आते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेना और 4 के नाम का पॉइंट लगा देना, अप्रोक्सीमेटली योर आंसर विल बी 345.39 ग्राम्स। ग्राम में क्यों आया है, क्योंकि डेंसिटी किस चीज में थी, ग्राम में, ठीक है, डेंसिटी ग्राम में थी, तो आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, चले आगे। अब है आपका मून वाला क्वेश्चन, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, अर्थ और मून वाला, याद है, इससे पहली एक्सरसाइज में अर्थ एंड मून का हमने क्वेश्चन किया था। दिस इज मून, दिस इज अर्थ, ठीक है। फिर हमें गिवन है डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली, डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायामीटर ऑफ अर्थ, ये दिया हुआ है हमें, ये गिवन स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, मून के रेडियस को स्मॉल आर रखा था, अर्थ के रेडियस को कैपिटल आर रखा था, याद होगा इतना तो। अब डायामीटर ऑफ मून का क्या मतलब होता है, 2r, रेडियस अगर r है तो डायामीटर 2r हो गया, 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ कितना होगा, 2 ऑफ अर्थ,
फिर हमने 2 से 2 कैंसिल किया था, 4 को इधर मल्टीप्लाई में लेके गए थे, 4R इज इक्वल टू R, ये आ गया था हमारा R और R में रिलेशन। इतना तो हमने उसमें भी किया था। फिर हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, दोनों के सरफेस एरिया का वॉल्यूम निकाला, सरफेस एरिया का रेशियो निकाला था, याद आ गया? हाँ जी बोलिए। तो इसमें हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। इसमें हमें दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। मान लो इसका वॉल्यूम आएगा V1, इसका वॉल्यूम आएगा V2, तो मुझे निकालना है V1 रेशियो V2, ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। अब V1 क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ मून। तो मून कैसा है, शेप कैसी है इसकी, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। आ गया मून का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, रेडियस आर है ना इसका। ऐसे ही V2 वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ भी एक स्फीयर है, बॉल है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। इसमें मैंने कैपिटल आर पुट किया है भाई, ये वाला आर, ठीक है, दोनों के रेडियस अलग है। तो इन दोनों को रेशियो में पुट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, आर क्यूब आर क्यूब। अब क्या करें, दोनों आर अलग अलग है, ये नहीं कटेंगे, ठीक है, ऐसे मत काटना 3 से 3, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो क्या करना है हमें, कैपिटल आर की वैल्यू 4R पुट कीजिए यहां से, ठीक है, 4R और इसका क्यूब। अब देखो क्या आएगा, 4 जा 4R क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार कितना आ गया, 4 जा 16, 4 जा 64, R इंटू R इंटू R, R क्यूब, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहां 0 नहीं लिखना, ठीक है, क्या लिखना है यहां पे, अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो यहां पे क्या आता है, 1:64, ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आया भाई ये क्वेश्चन, बताओ बेटा समझ आया क्वेश्चन, यस क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे, यस मैम, ओके। इसके बाद है 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन इज हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मिल्क के कितने लीटर, ठीक है, कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल, एक बाउल है दैट इज हेमिस्फेरिकल इन शेप, डायामीटर 10.5, इसका जो डायामीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। भाई एक ये बाउल है, इसमें कितना मिल्क आ सकता है, कितने लीटर मिल्क, आधा लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, ठीक है, तो इसका मतलब मिल्क तो अंदर डालेंगे ना, इसके वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसके अंदर होता है ना, पेंट तो नहीं करना ना दूध से हमें, उसको इसके अंदर पुट करना है हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम ऑफ बाउल। अब जितना इस बाउल का वॉल्यूम होएगा उतना ही इसमें मिल्क आ पाएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल ये कैसा है, हेमिस्फीयर है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझे तो डायामीटर दिया हुआ है 10.5, रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 बाय में 2, इसको पुट करेंगे 10.5 बाय में 2 और इसका क्यूब, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव करती हूं तो यहां पे 0 आ जाएगी, 105/20, 2/3, 22/7, इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर में है ना ये, तो आपका ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको रिलेशन पता है सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का, बताइए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 liters, याद है, ये किया था हमने, yes, ma'am. तो इसमें हमें ये यूज करना पड़ेगा, जितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड यू विल गेट योर
आंसर, ठीक है। 3.5 यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये 10 आ गया, 2, 10, 11 एंड बाकी आपका आंसर आ जाएगा समथिंग इसमें 0.303 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको फिर क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, समझ में आया भाई? यस मैम। ठीक है, क्या करना था, सबसे पहले हमें एक बाउल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है 10.5, उसके अंदर कितने लीटर मिल्क आएगा, कितने लीटर मिल्क हम उसके अंदर हम पुट करते हैं, उसकी दीवारों पर तो नहीं लगाते ना, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 πr³, रेडियस हमने डायमीटर से निकाल लिया था, आंसर आ गया। फिर रिलेशन यूज करो, 1 cm³ में 1/1000 लीटर होते हैं, और जो आंसर आया है उसमें कितने लीटर होएंगे, 1000 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, पॉइंट में निकाल लेगा इसको ऐसे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो आज यहीं तक करते हैं, आई थिंक टाइम इसका क्योंकि जूम का एंड होने वाला है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए आज के में। नो प्रॉब्लम।